हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, माय सेल्फ राजकुमार। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जिनके पास भी LIC की शेयर्स हैं, यानी कि LIC IPO जिनके पास भी आया है और वो अभी लॉसेस में चल रहे हैं और कंटिन्यू होल्ड करे हुए, तो ये वीडियो उनके लिए, उन लोगों को समर्पित है। फ्रेंड्स, आपने खूब वीडियोज़ देखे होंगे, खूब राय ली होगी, खूब राय मशवरे हुए होंगे, लेकिन आप लोग अभी तक लॉस में हैं। जब ये शेयर 850 से ऊपर था पिछले 3-4 हफ्ते पहले या महीने भर पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, तब भी बेचने की सलाह दी थी और उसको SBI शेयर में कन्वर्ट करने के लिए बोला था। आप लोगों से मेरी बात मानी नहीं मानी मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद मैं वापस से ये शेयर 850 के बाद में 800 से नीचे आ गया, यानी कि 780 रुपये से नीचे आ गया, 100 रुपये के आसपास की टूटत आ गई शेयर में जब मैंने इसको बेचने के लिए सलाह दी थी। तब भी मैंने फिर एक वीडियो बनाया, तब भी आप लोगों को यही सलाह दी कि अभी भी समय रहते इसमें से निकल जाइए, और अब ये शेयर 700 आने के आसपास है। बात ये नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों का पैसा बना रहे और आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है इसमें रिटर्न मिले। आप तो ये पूछिए मुझसे कि सर ऐसा क्या करें कि हम इसमें रिटर्न कमा के निकले, क्या करें, ऐसा कुछ ऐसा आइडिया दीजिए कि हम इसमें पैसा कमा करके निकले। तो फ्रेंड्स, अभी भी 700 से ऊपर बने हुए हैं आप। टाटा पावर करके एक शेयर है, आप जानते हो, तो वो इस वक्त 233 रुपये पे अप्रोप्रिएट बाइंग लेवल है बिल्कुल। पिछले साल भर पहले ये शेयर 80 रुपये का हुआ करता था और ये अभी 300 के आसपास जाकर आया है, तो आप देख लीजिए इसने 3 गुना रिटर्न दिया है 1.5 साल में या 1.5 साल में। अगर 2 साल के अंदर भी 3 गुना रिटर्न दिया, बहुत बेहतरीन रिटर्न है। और अभी 233 से बना हुआ है, हालांकि मेरे हिसाब से इसकी 233 में तो बहुत ही अप्रोप्रिएट बाइंग लेवल है, बल्कि इससे ऊपर ही होना चाहिए था, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए था। आप अडानी पावर को देख लीजिए, 300 के आसपास चल रहा है, वो इससे ज़्यादा चल रहा है। तो फ्रेंड्स, टाटा पावर में आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो शेयर LIC के हैं आप इसको बेच दीजिए, 700 से ऊपर के शेयर बेच दीजिए। एक शेयर के बदले में आप 3 शेयर खरीद पाएंगे टाटा पावर का 233 पे। और अगर ये शेयर 500 भी चला गया, अगर ये शेयर 500 भी चला गया तो भी आपका 700 रुपये पर शेयर का इन्वेस्टमेंट जो आप 3 शेयर में करेंगे, आपका पैसा तब भी डबल हो सकता है। यानी कि आप एक शेयर 700 समथिंग में बेचेंगे तो आपके जितने भी शेयर है, 15 शेयर, 10 शेयर, 7 शेयर जो भी हैं आपके पास, वाट एवर आपने एवरेज बनाने के लिए खरीदे होंगे, अभी भी आप उनको बेच दीजिए। बेच करके उतने ही रुपये के आप क्या करिए, टाटा पावर शेयर खरीद लीजिए। एक शेयर को बेचने के बदले में आप 3 शेयर टाटा पावर के खरीद पाएंगे, तब भी कुछ पैसा आपके पास बच जाएगा। और ये टाटा पावर में कन्वर्ट करने के बाद में आप अपना बिजनेस कीजिए जो बिजनेस करते हैं, आप अपना जॉब कीजिए जो जॉब करते हैं, और शांति से, आराम से, मेंटली टेंशन फ्री होकर के आप इन्वेस्टमेंट करके डाल दीजिए और सब टाटा पावर के ऊपर छोड़ दीजिए। ये आपका पैसा दुगना तिगुना कर देगा। अगर 2-3 साल में भी आपका होता है 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 5 साल में भी अगर 5 गुना हो जाता है, तो अगर आपको लगता है कि भाई लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो ये शेयर आपके पास है, ये अगर 3500-4000 हो जाएगा 4-5 साल में, तो आप इसमें बने रहिए। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि टाटा पावर में शायद ऐसा होगा कि ये 500 के ऊपर तो निकल ही जाएगा, और 1000 रुपये तक की भी मुझे पूरे पूरे चांस लग रहे हैं। लेकिन अगर 500 भी हुए तो भी आपके ये 700 रुपये को 1400 रुपये में कन्वर्ट कर देगा, कम से कम आपका रिटर्न और आपका जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो तो गुड प्रॉफिट के साथ में आ जाएगा आपके हाथ में, अगर इसने चाल दी तो। तो फ्रेंड्स, मेरा सजेशन है आपको, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इसी तरह के सेशंस देता हूँ। मैं तो चाहता हूँ आप पैसा कमाएं, भरपूर कमाएं। आप अगर लॉस में भी जा रहे हो तो आपको ऐसा बंदा चाहिए जो आपको ये बता पाए कि भाई आप रिटर्न कैसे कमाएं, पैसे कैसे कमाएं, क्या करें ऐसा कि हम इस लॉस से निकल करके पैसा कमाएं। उसके लिए ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मोटिवेट होता रहूँगा अगर आप मेरे सब्सक्राइबर की फैमिली बढ़ाएंगे, और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं जो टेक्निक्स खुद अप्लाई करता हूँ वो आप लोगों को बताऊँ, और आप लोग भी अपने इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न शेयर मार्केट में कमाएं, और आपको भी मज़ा आए इन्वेस्टमेंट करने में। तो ट्रैक्स चेंज करने चाहिए। ट्रैक्स चेंज करने से हम कभी कभार अपनी जिस मुकाम से इधर उधर हो जाते हैं और उसी मुकाम पे वापस से दूसरे ट्रैक्स के थ्रू जल्दी से पहुंच जाते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। हैव अ नाइस टाइम।